बच्चों के वैक्सीनेशन के बाद अब एमपी में बूस्टर डोज लगाने की भी शुरुआत हो गई है और हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइनर, इसके अलावा 60 साल के बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। तो भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी काटजू अस्पताल में बने वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान प्रभुराम चौधरी से बातचीत की हमारे संवाददाता सदफ हामिद ने, सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश में बच्चों के वैक्सीनेशन के बाद आज से बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो गई है और काटजू अस्पताल में जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी। सर, आज से बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो गई है, हेल्थ लाइन जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। आज से प्रिकॉशन डोज हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, एबव 60 के जो कोमोरबिडिटी के नागरिक हैं उनको लगना शुरू हो गया है और उसी को देखने के अभी हम आए, लोग आ रहे हैं। देखिए, आप काफ़ी संख्या में लोग आकर ये प्रिकॉशन डोज लगवा रहे हैं। सर, ऐसे कितनों की संख्या में है लोग 16 प्लस जिन्हें बूस्टर डोज लगना है और जो हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं? हेल्थ केयर वर्कर जो हमारे हैं वो लगभग 4,94,000 और फ्रंटलाइन वर्कर 5,43,000 और एबव 60 जो कोमोरबिडिटी के हैं कुछ लगभग 13 लाख लोग हैं जिनको ये अभी प्रिकॉशन डोज लगाया जाए। हाँ सर, बच्चों का वैक्सीनेशन भी चल रहा है, कब तक टारगेट पूरा किया जाएगा क्योंकि बच्चों का भी वैक्सीनेशन है, दूसरी तरफ बूस्टर डोज की शुरुआत हो? 3 जनवरी से हमने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन लगाना शुरू की थी और अभी तक 46% बच्चों को लगाया जा चुका है। बिल्कुल, देखिए ये